नमस्कार, मैं हूँ यास्मीन। अक्षय कुमार की डेब्यू फिल्म सौगंध की हीरोइन शांति प्रिया इन दिनों खूब चर्चाएं बटोर रही है। खबर है कि वो जल्द ही सलमान खान के कॉन्ट्रोवर्शियल टीवी शो बिग बॉस 14 में नजर आ सकती हैं। शांति प्रिया बिग बॉस सीजन 14 और अपने रंग भेद को लेकर अपनी कहानी बताने की वजह से खबरों में है। उन्होंने बताया है कि काफी बार वो रंग भेद की शिकार हुई है और कई बार उन्हें लोगों के सामने इसके लिए नीचा दिखाया जाता है। दरअसल हाल ही में एक लीडिंग वेबसाइट से बातचीत में शांति प्रिया ने कहा कि वो अक्षय कुमार के चलते डिप्रेशन का शिकार हो चुकी थी। इस दौरान उन्होंने बताया कि आज समय बदल गया है, अब आपके सामने रंग पर खुलेआम टिप्पणी नहीं होती है, लेकिन 90 के दशक में जब मैं बॉलीवुड में काम करने आई तो मेरा सांवला रंग ही मेरा दुश्मन बन गया था। उस दौरान मुझे पूरे क्रू मेंबर्स के सामने जोर से पूछा जाता था कि आपका मेकअप किसने किया है। मैं सहम जाती और कहती कि मैंने अपना मेकअप खुद किया है। उसके बाद शूटिंग भी रोक दी जाती थी। उन्होंने आगे बताया, अक्षय कुमार 100 लोगों के सामने मजाक उड़ाते थे जिसके चलते वो डिप्रेशन का शिकार हो गई थी। उनकी फिल्म इक्के पेक्का की शूटिंग के वक्त अक्षय कुमार अक्सर उनके घुटनों का मजाक उड़ाते हुए दूसरे लोगों को कहते थे कि उनके घुटने स्टॉकिंग्स के अंदर इसलिए काले लग रहे हैं क्योंकि वहां खून के कतरे जम गए। हालांकि वो ऐसा मजाक में कहते थे और उनका मुझे दुख पहुंचाने का इरादा नहीं होता था, लेकिन ये बातें उनके दिल में घर कर गई। शूटिंग के बाद मैं घंटों तक अपनी माँ के पास जाकर रोती थी। मैं और अक्षय कुमार आज भी अच्छे दोस्त हैं। जब अक्षय कुमार को पता चला कि मैं कमबैक की सोच रही हूँ, उन्होंने मेरा पूरा सपोर्ट किया और कहा कि वो हमेशा उनके साथ है। खबरों की माने तो जब सेट पर अक्षय उनका मजाक उड़ाया करते थे तो इन बातों के चलते वो डिप्रेशन का शिकार हो गई थी, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने कभी फेयरनेस क्रीम का इस्तेमाल नहीं किया। अब जल्द ही सलमान के शो बिग बॉस सीजन 14 में वो नजर आ सकती है।